नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, सपने तो सभी देखते हैं, कहीं ना कहीं आज आपने भी सपना देखा होगा। कोई अच्छा सपना देखता है तो कोई बुरा सपना देखता है, लेकिन बुरे सपने देखने के बाद अधिकतर लोग भयभीत हो जाते हैं और कुछ लोग तो रात में देख रहे होते हैं और सपने सुबह तक भूल जाते हैं। लेकिन कुछ सपने ऐसे होते हैं जो हमें सुबह तक याद रहते हैं। तो दोस्तों, सपनों की एक अलग ही दुनिया होती है और इस पे मनुष्य का कोई वश नहीं चलता। दोस्तों, सपने हमें आने वाले मुसीबतों या कुछ अच्छा होने का संकेत देते हैं, इससे हमें घबराना नहीं चाहिए। तो आइए हम बात करते हैं कि यदि आपने सपने में समुद्र देखा है तो क्या यह सपना शुभ है या अशुभ, तो आइए इस पे चर्चा करते हैं। दर्शकों, सपने में समुद्र देखना स्वप्न ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत ही शुभ माना जाता है। यह सपना हमें दर्शाता है कि आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाने वाले हैं। यह सपना इस बात का भी संकेत करता है कि आगे आने वाले जीवन में आपको बहुत धन की प्राप्ति होने वाली है। अगर आप कोई नया वाहन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आपकी यह मनोकामना जल्द पूरी होने वाली है। तो दोस्तों, यह एक प्रकार का बहुत ही अच्छा सपना माना जाता है और यह सपना दर्शाता है कि आप अपने भविष्य में अपने कार्य को लेकर बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं। सपने में समुद्र देखना बहुत ही अच्छा स्वप्न है। अगर आप यह स्वप्न रात के 12 से 2 बजे के बीच में देखते हैं तो सपने का फल आपको 3 महीने के भीतर प्राप्त हो जाएगा। यही स्वप्न आप 2 से 4 बजे के बीच में देखेंगे तो सपने का फल आपको 1 महीने के भीतर प्राप्त होगा। और यही स्वप्न आप 4 से 6 बजे के बीच में देखेंगे तो सपने का फल आपको 1 हफ्ते के भीतर प्राप्त हो ही जाएगा दर्शकों। किंतु अगर आप यह स्वप्न अगर दोपहर या फिर शाम को सोते हुए देखते हैं तो सपनों का कोई भी अर्थ नहीं रहेगा और ये सारे स्वप्न एक निरर्थक स्वप्न माने जाएंगे। अब मैं ये बात करूँ तो आपको इन सब सपनों को किसी से भी शेयर नहीं करना चाहिए, ना ही किसी को बताना चाहिए, क्योंकि शुभ सपनों को शेयर करने से बताने से उनका जो शुभ परिणाम है वह कम हो जाता है। इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप शुभ सपनों को अपने तक ही सीमित रखें। अगर आप ऐसे शुभ स्वप्न देख रहे हैं तो आपको अपने इष्ट देवता से भी प्रार्थना करनी चाहिए कि वह आपको आपके सपने का अधिक से अधिक फल प्रदान करें। अब अगर आप ये स्वप्न देख चुके हैं तो आपको कोई भी परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे उत्तर मांग सकते हैं। अदरवाइज़ आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। राधे राधे, आप सभी का मंगल हो। आप सभी इसी तरह सदैव ही हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आपके ऊपर सदैव बरसती रहे। राधे राधे।